हाय एवरीवन, आई एम कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि स्किन केयर करना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है? काफी सारे प्रोडक्ट और काफी सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की जरूरत होती है स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसी टॉपिक पे बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि सिर्फ आप 10 रुपए से ही अपना पूरा स्किन केयर रूटीन कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी गाइस, तो जरूरी नहीं कि स्किन केयर करने के लिए आपके पास महंगे महंगे प्रोडक्ट ही हो, आप बिल्कुल 10 रुपए से ही अपना स्किन केयर शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वैसा ही कुछ प्रोडक्ट आप लोगों को बताऊंगी जो कि आपको आसानी से मिल भी जाएंगे और आप अपना पूरा स्किन केयर रूटीन भी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये वाली वीडियो पसंद आती हो तो आप सबके साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं करूँगी अपने फेस को स्क्रब। तो उसके लिए मेरे पास 2 स्क्रब है और इसके छोटे 10 रुपये वाले भी आपको जनरल स्टोर से मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास पहले से ही था तो मैंने उसको परचेस नहीं किया। और ये चॉकलेट वाला मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं अभी इसको ही यूज़ करूँगी। लेकिन इससे पहले आपको फेस को वॉश कर लेना है, जो कि मैं कर चुकी थी लेकिन वो मैं शूट करना रह गया मेरा। लेकिन आपको सबसे पहले जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो उससे आपको फेस वॉश कर लेना है। फिर आपको स्क्रब लेना है थोड़ी सी क्वान्टिटी में, उसको गीला करके अपने फेस पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करना है। आपका जो नोज एरिया होता है ना, उस पे ज़्यादा थोड़ा स्क्रब करेगा, बिकॉज वहाँ पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मुझे भी वाइट हेड्स होते हैं तो मैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से सारा प्रोसेस करते हुए अपने स्किन को अच्छे से स्क्रब करना है लगभग 3 से 4 मिनट तक, वो भी हल्के हाथों से। फिर इसके बाद आपको फेस को नॉर्मल वाटर से ही वॉश कर लेना है। इसके बाद आपको फेस वॉश का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है ना, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल वाटर से ही फेस को वॉश कर लेना है। इसके बाद आप किसी भी अच्छे से साफ रुमाल से कपड़े से अपने फेस को पोंछ लीजिए। अच्छे से पानी सुखा लेने के बाद में इसके बाद मैं अपने नोज़ एरिया से वाइट हेड्स को रिमूव करूँगी इस टूल्स की मदद से। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रब का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मार्केट में मिल जाएगा आपको, उसकी मदद से आप रिमूव कर सकते हो। और अगर नहीं है आपके पास कुछ भी तो भी आप इस स्टेप को छोड़ सकते हो, बिकॉज हमने जो भी स्क्रब किया उसमें ही काफ़ी सारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ईजिली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको ये करना ही है, आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हो अगर आपके पास कोई भी टूल वगैरह नहीं हो तो ऐसा। ठीक है, देन इसके बाद आप देख सकते हो कि फेस काफ़ी क्लीन लग रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं अप्लाई करूँगी हिमालय का 10 रुपए वाला फेस मास्क। यह आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी स्टोर पे, तो आप अपने लिए बाय कर सकते हो। फिर आपको इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। आप इसको हाथों की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये ब्रश है तो मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप इस फेस पैक की पतली पतली लेयर लगाते हो अपनी स्किन पे तो यह आपका 2 टाइम आराम से चल जाएगा, या फिर 2 लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही थिक लेयर लगाऊंगी अपने फेस पर एकदम नेक एरिया तक, तो ये मेरा पूरा ख़त्म हो गया है। 15 से 20 मिनट तक आपको वेट करना है, जब ये सूख जाए इस तरह से, फिर आपको वॉश करना है। लेकिन गाइस देखो, हम लोग अपनी स्किन केयर का तो बहुत ही ध्यान रखते हैं, लेकिन अंदर से भी उतना ही हेल्दी होना ज़रूरी है। तो जब तक ये मेरा फेस पैक सूख रहा है तब तक मैं यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स खा लूँगी ताकि अंदर से भी मैं हेल्दी रहूँ। फिर इसके बाद आप देखो कि पूरी तरह से सूख गया है, तो यहाँ पर या तो आप फेस को नॉर्मल वाटर से ही वॉश कर लो, नहीं तो आप कोई भी ऐसा रुमाल ले लो, है ना, तो उसको आप पहले पानी से गीला कर लो, फिर उसको अच्छे से फेस पे पोंछ लीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी पानी की बचत हो जाएगी, इसके बाद आप आसानी से इसको हटा सकते हैं। तो देखो, मैं जैसे जैसे हटा रही हूँ वैसे वैसे स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोई सी होती जा रही है। तो इसको मैं इसी कपड़े की मदद से ही रुमाल से पूरा पोंछ लूँगी। इसके बाद फिर मैं जा कर के नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लूँगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये जो फेस मास्क है ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर देता है, लाइट कर देता है। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बड़े पैक भी आते हैं और 10 रुपए वाले पाउच भी आते हैं, जिसको आप 1 से 2 बार आसानी से यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे मैंने फिर नॉर्मल वाटर से ही फेस को वॉश कर लिया है, अभी भी फेस वॉश का यूज़ नहीं किया है और आपको भी नहीं करना है। इस स्टेप के बाद में स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लगती है, एकदम सॉफ्ट सी हो जाती है। आप देख सकते हो कि पहले काफ़ी ज़्यादा डार्क स्किन लग रही थी, लेकिन इस प्रोसेस के बाद में थोड़ा सा कलर, आपको टेक्सचर भी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा होगा। देन हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके बाद मैं करूँगी 10 रुपये वाले हिमालय का
पील ऑफ मास्क जो कि आपको मिल जाएगा मार्केट में आसानी से। इसके बड़े पैकेट भी आते हैं और आप हम अभी 10 रुपये वाला स्किन केयर कर रहे हैं तो मैं आपको 10 रुपये के ही प्रोडक्ट बताऊँगी। तो इसी जिस तरह से हमने फेस पैक अप्लाई किया था वैसे ही इसको भी मैं अप्लाई कर लूँगी। आप हाथों से भी इसको भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या करता है पील ऑफ मास्क, एक तो आपकी डेड स्किन को अच्छे से बाहर निकालेगा, प्लस आपके छोटे छोटे हेयर होते हैं ना जो फेस पे, ये उसको भी अच्छे से बाहर साथ में ले आता है और आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करता है, डर्ट को ख़त्म करता है, ये सब करता है। तो 10 से 15 मिनट आप रखोगे तो इस तरह से पूरा सूख जाएगा, एकदम प्लास्टिक की तरह लगेगा। फिर आप स्किन को थोड़ा सा खींच करके इसको आसानी से इसे पील कर सकते हो। देखो ये थोड़ा प्रोसेस है ना, पेनफुल हो सकता है, जहाँ जहाँ पे आपके हेयर की ग्रोथ होगी ये वहाँ पे थोड़ा दिक्कत करेगा, और आपके अंडर आई के वहाँ पे अगर आप इसको पील करेंगे तो भी थोड़ा आपको पेन होगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आप आँखों के नीचे उतना अप्लाई ना करें, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे आपको फोरहेड पे हेयर की ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ पे भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको पील करते हैं ना तभी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। बाकी स्किन वगैरह पे गालों पे इतना पेन नहीं होता है ना, आसानी से रिमूव हो जाता है। इस स्टेप के बाद में अगर आप चेक करोगे ना तो आपके छोटे छोटे जो बाल होते हैं स्किन के वो भी इसके ऊपर आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्किन होती है वो सॉफ्ट सी हो जाती है। फिर धीरे धीरे पूरी स्किन से इस तरह से आपको निकाल लेना है जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। फिर आपको नॉर्मल वाटर से ही अपने फेस को वॉश कर लेना है। आपको फेस वॉश का इस्तेमाल सिर्फ स्टार्टिंग में करना है, इसके बाद फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है। देन गाइस आप देख सकते हो कि स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। सिर्फ ये 10 रुपये के स्किन केयर से ही इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। आप इसको मंथ में 1 से 2 बार तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है ना। आपने देखा कि सिर्फ 10 रुपये में ही पूरा स्किन केयर हो चुका है, बिल्कुल भी हमारे पैसे वेस्ट नहीं हुए हैं। लास्ट स्टेप में आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो आप उसको अपने स्किन पे अप्लाई कर लीजिए। मैं यहाँ पे सेटाफिल का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो या फिर आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं तो वो भी आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन जो हमने इतनी देर तक इसको स्क्रब करा सब करा तो रिलैक्स हो जाएगी, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग प्रोसेस होता है ये सारा, आप लोग भी इसको स्टेप बाई स्टेप फॉलो कर सकते हो। फिर गाइस इसके बाद आप देखो लास्ट रिज़ल्ट, स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई लग रही है, कोई भी फिल्टर मैंने नहीं लगाया है। इसके बाद भी आप मुझे फर्स्ट देख सकते हो वीडियो के स्टार्टिंग में, देन अभी आप देख सकते हो। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने सिर्फ 10 रुपये के प्रोडक्ट से ही अपना पूरा स्किन केयर रूटीन कंप्लीट किया है, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। आप इस रूटीन को वीक में एक बार तो जरूर से ट्राई करिए। और हाँ, आप जब भी स्किन केयर करते हैं तब आपको तुरंत इतना रिजल्ट नहीं दिखेगा जितना कि आपको 1 से 2 दिन बाद आपको आपके फेस पे ग्लो नजर आएगा, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट है उनको मैं टैग भी कर दूंगी, बाकी आप उसको जनरल स्टोर से भी जाके बाय कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे और बहुत सारे वेरिएंट भी अवेलेबल है इन सारे प्रोडक्ट में, तो आप लोग अपने लिए बेहतरीन ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सबके साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस पे चाहते हो, तो जरूर से मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आऊंगी। और गाइस चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।